छुट्टी का दिन और सुबह सुबह तैयार होके बाहर निकले, इसका मज़ा ही कुछ और है। ऊपर से दिन भी इतना बढ़िया हो, सनी हो और हल्की सी हवा, वो भी ठंडी। निकलना तो था ही, लेकिन कहाँ जाए ये क्वेश्चन था। बट फिर भी निकल पड़े। हर जगह ग्रीनरी, ब्लू स्काइज, इतना फ्रेश लग रहा था और गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा था। गाने चल रहे थे गाड़ी में, चलते चलते ये फार्म नजर आया, डेयरी फार्म। पहले कभी गए नहीं थे तो सोचा जाके देखते हैं क्या है। कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड विजिट था ये फार्म को। अंदर जाते जाते ही पहले एक गैया का स्टैचू था बड़ा वाला, ये रोड से भी दिखता है। ओ बाय द वे, मैं मेलबर्न से हूँ और ये जगह मेलबर्न की सीबीडी से अराउंड 80 किलोमीटर पे है। अंदर जाते ही बहुत भीड़ दिख रही थी। दिल में एक्साइटमेंट वही था कि क्या हो सकता है अंदर। एक बड़ी सी मिल्क की फैक्ट्री थी और सामने एक कैफे, बहुत बढ़िया शानदार कैफे लग रहा था। दिन अच्छा था इसलिए सारे फैमिलीज कहीं ना कहीं बाहर निकलते ही हैं, जो यहाँ भी दिख रहे थे। जगह बहुत ही सुंदर थी और बच्चों के लिए तो बहुत ही एंजॉयमेंट का एक जरिया। बर्ड्स भी थे, डक्स भी देख रहे थे, सोचा कुछ कैप्चर कर लूं कैमरा में। यहाँ की मुर्गियाँ भी थोड़ी अलग टाइप की थी, थोड़ी हट्टी कट्टी, जैसे प्रोटीन खाया हो और जिम किया हो। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, एनिमल्स को पैट करने का मौका जो मिल रहा था। एक बकरी को मैंने बुलाने की कोशिश की लेकिन शायद उसको मैं पसंद नहीं आया, बकरा आ गया। ओवरऑल बहुत ही फ्रेश लग रहा था। छुट्टी का दिन था तो शायद ये डक्स भी थोड़ा लेट ही उठे थे, लेट नहा रहे थे 12 के बाद। और ये इसको देख के तो डर ही लगा, मतलब कौन सा सांड है ये। अंदर कैफे में कोई सॉफ्ट टॉयज भी थे बच्चों के लिए, भूख लग रही थी सोचा कुछ खा ले। बाहर धूप और हाथ में ठंडी कॉफी। थोड़ी देर बैठ के कॉफी एंजॉय की। यहां से निकलने का टाइम हो गया था, जाते जाते ये दूध की फैक्ट्री भी देख ली जो कि शुरू होनी थी। शायद ये दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक चलती है। डायरेक्शन में जाने का डिसाइड किया। ये बीच जो हम लोग जाने की सोच रहे थे, इसका नाम है फिलिप आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में से ये बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ से लगभग 40 मिनट्स की दूरी पे ये बीच था। जाते जाते ब्यूटीफुल सीनरी और
समुद्र देखने को मिल रहा था, बहुत सारे बीचेस ऑन द वे भी दिख रहे थे जो बहुत ही क्राउडेड थे। लेकिन वही है ना कि सब लोगों को रिलैक्स होना है और लकीली दिन अच्छा था तो पार्किंग भी बढ़िया मिल गया। गाड़ी पार्क करके हम लोग खाने का सामान लेके कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे कि जहां बैठ के कुछ खाया जाए, भूख भी बहुत लग रही थी। बहुत ही रिलैक्स्ड सा वेदर था और ये बीच में ज्यादा क्राउड भी नहीं था, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। हमने सोचा हम भी खाना खा ही लेते हैं। ये बर्ड्स को सीगल्स कहते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर बस रिटर्न होने की तैयारी में लग गए। आते आते भी अब इमेजिन नहीं कर सकते हुए ये शाम के 7 बजे हैं। जैसे जैसे समर पास आ रहा है वैसे वैसे दिन बड़ा होते जा रहा है। बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा था आज के दिन में पूरे वन डे ट्रिप के लिए। भी तो छुट्टी थी इसलिए कोई दिमाग में चल रहा था कि कल क्या करें, लेकिन ये तो है कि कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे।